ऑटो एक्सपो 2023 पर ह्युंडई पवेलियन पर दो सुपरस्टार्स थे, एक करोड़ों दिलों की जान शाहरुख खान, उसके साथ साथ थी ये ईवी वर्ल्ड की पठान आयोनिक 5। दुनिया भर में ढेर सारे अवार्ड्स ये गाड़ी जीत चुकी है, वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर, वर्ल्ड ईवी ऑफ द ईयर, वर्ल्ड कार डिज़ाइन ऑफ द ईयर, ये सारे अवार्ड्स ये जीत चुकी है। और अब फाइनली इंडिया में भी आपको ये खरीदने को मिल रही है। 45 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम कीमत है, तो ये वर्थ इट है? क्या ये गाड़ी अपनी कीमत जस्टिफाई करती है? इलेक्ट्रिक कार है, ह्युंडई की फ्लैगशिप गाड़ी है इंडिया के लिए, क्या खास है इसमें, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब EVs आर द फ्यूचर ऑफ कार्स, और ये गाड़ी को देख के पता चलता है कि ये फ्यूचरिस्टिक कार है। नियो रेट्रो लुक इसका कह सकते हैं, न्यू और ओल्ड का मिश्रण है जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर निखर कर आता है। इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो 80s की ह्युंडई की हैचपैक जैसा है, लेकिन इसमें ढेर सारे न्यू एलिमेंट्स हैं। अब वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये पैरामेट्रिक LED मैट्रिक्स स्टाइल हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, ये पिक्सल टाइप आपको LED डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी शानदार दिखता है। और यहाँ पर ये एलिमेंट है जो जब तक लाइट अप ना हो आपको ऐसा लगता है कि ये बम्पर का ही पार्ट है, बट जब लाइट अप होता है तो आपको पता चलता है कि ये एक इल्यूमिनेटेड यूनिट है। इसके साथ साथ नीचे आपको यहाँ पर रेडार का सिस्टम दिया गया है, इसमें Level 2 ADAS टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। ह्युंडई टूसों के साथ ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, और आयोनिक 5 में भी आपको ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलती है। फिर यहाँ पर आपको एकदम क्लीन यहाँ पर फ्लैट पैनल मिलता है, ग्लॉसी फिनिश का है। एंड EVs की खासियत है उनको ग्रिल की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से हवा पास हो वो यहाँ पर आपको फ्लैट मिलता है। बड़ा सा ह्युंडई का लोगो है, 360 डिग्री कैमरा है तो वो यहाँ पर आपको एक छोड़ दिया गया है, वहाँ रेडार का कैमरा है विंडशील्ड में। फिर यहाँ पर आपको मैं बोनेट के नीचे दिखाता हूँ, एक स्पेशल बात है जो EV स्पेसिफिक होती है, आपने टेस्ला में भी देखी होगी। EVs की खासियत होती है कि उनको स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर पर बनाया जाता है, ये ह्युंडई के EGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। एंड खासियत ये है कि ये सिर्फ EV स्पेसिफिक कार्स के लिए बनाया है, इसका कोई इंटरनल कम्बशन इंजन वाला वर्जन नहीं था। एंड इस कारण यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, 57 लीटर्स की आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलती है, अच्छी खासी स्पेस है। इसके अलावा ऑफकोर्स बूट स्पेस तो है ही, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी ऑलरेडी आपको मैंने दिखा दी है कितनी ज़्यादा मिलती है। अब मैं आपको गाड़ी का साइड लुक दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये 20 इंच के एलॉय व्हील्स दिखाना चाहूँगा, डुअल टोन डिज़ाइन है एंड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ऐसा लगता है एरोडायनामिक्स को एनहांस करने के लिए डिज़ाइन बनाया गया है। एंड इसमें आपको मिशेलिन पायलट स्पोर्ट EV टायर्स मिलते हैं, 255/45 सेक्शन का टायर इसमें आपको मिलता है। फिर यहाँ पर साइड प्रोफाइल लिखेंगे तो यहाँ पर कट्स एंड क्रीजेज ऐसा लगता है जैसे किसी निंजा ने अपनी तलवार से इसको तराशा है। फिर यहाँ पर आपको फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स मिलते हैं, ये डोर हैंडल्स पॉप आउट होते हैं जब आप गाड़ी के पास होते हो, आपके पास की हो। एंड ये फीचर आपको पहले बहुत महंगी एक्सपेंसिव कार्स में देखने को मिलता है, जैगुआर आईपेस वगैरह में देखने को मिलता था, अब आपको ये ह्युंडई की आयोनिक 5 में भी देखने को मिलता है। अब ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में एक बड़ा सा बैटरी पैक होने के बावजूद ह्युंडई आयोनिक 5 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ह्युंडई इंडिया के प्रोडक्ट लाइनअप में सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 163 mm। अब आप बोलोगे कि एल्काज़ार और क्रेटा या फिर टूसॉन वगैरह की तो 200 mm प्लस आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वेल वो अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है, ये लेडन ग्राउंड क्लियरेंस है। तो यहाँ पर आपको क्लियरेंस अच्छी खासी मिलेगी, आप ढेर सारे पैसेंजर यानी 5 पैसेंजर को अगर लेके जा रहे हो तो आपको गाड़ी टच होने का डर नहीं होगा। इसकी रियर लुक काफ़ी इमोशन जगाने वाली है, बिकॉज अगर आपने बचपन में टेट्रिस का वो गेम खेला होगा, वो 8-bit वाला गेम, ये टेल लैम्प्स आपको थोड़ी वो याद दिलाएंगे, पैरामेट्रिक LED ही हैं, बट यहाँ पर आप देखोगे वो टेट्रिस वाले गेम की याद आएगी आपको। बाकी इसकी एकदम कूपे टाइप ऐसे रियर विंडशील्ड ऐसे गिरती है। एंड यहाँ पर आपको स्पेस दिया है, एरोडायनामिकली एनहांस करता है गाड़ी की परफॉर्मेंस, यहाँ पर स्पॉइलर काफ़ी बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, और इस बनावट की वजह से रियर वाइपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इलेक्ट्रिक कार है, गाड़ी के अंदर जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं, बैटरी कैपेसिटी 72.6 किलोवाट आर की बैटरी है। एंड इसको जो चार्जिंग टाइम लगता है, अगर आपको 11 किलोवाट का वॉलबॉक्स चार्जर जो गाड़ी के साथ मिलता है, इसके साथ एक 3.3 किलोवाट का चार्जर भी मिलता है, 11 किलोवाट के वॉलबॉक्स चार्जर से आपको गाड़ी को चार्ज करने में लगेगा 7 घंटा 100% तक। अगर आपको 50 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर मिलता है तो उससे आप गाड़ी 50 मिनट में 10-80% चार्ज कर सकते हो। और ह्युंडई की डीलरशिप्स पर आपको 150 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर से टाइम लगेगा मात्र 21 मिनट 10-80% चार्ज करने में।
चार्ज लेने के साथ साथ आयोनिक 5 चार्ज दे भी सकती है इन अ गुड वे। इसमें 3.6 किलोवाट का व्हीकल टू लोड फंक्शन है जिससे इलेक्ट्रिक केटल, लैपटॉप्स और कई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चार्ज हो सकते हैं। Hyundai Ioniq की कुछ इस तरीके से दिखती है। नॉर्मल लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। ये बटन होल्ड किया तो इससे इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये बटन होल्ड किया तो इससे इसका चार्जिंग पोर्ट का जो है फ्लैप है वो ओपन हो जाएगा। और ये बटन होल्ड किया तो इसकी 527 की मैसिव बूट ओपन हो जाएगी। काफ़ी फ्लैट स्पेस है, एकदम सामान डालने में कोई इशू नहीं होगा। आपकी फुल फैमिली का लगेज ये गाड़ी आराम से गॉबल कर जाएगी। इसके साथ साथ इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको कुछ अप्लायंसेस वगैरह रन करने हैं तो वो यहाँ पर इससे पावर मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एकदम लग्जरी कार्स जैसा पार्सल शेल्फ दिया गया है जो काफ़ी अच्छी फिनिश एंड फिट के साथ आता है। देन इस गाड़ी में आपको पंचर रिपेयर किट मिलती है, स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। पंचर रिपेयर किट यहाँ पर स्टैक्ड है। अब स्पेयर व्हील इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि बैटरी जो है वो यहाँ पर ढेर सारी बूट स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। उसकी जगह जो आपको टायर इन्फ्लेटर किट दिया गया है उसमें आपको मिलता है ऑफकोर्स टायर इन्फ्लेटर। इसको आप यहाँ पर 12 वोल्ट सॉकेट से पावर कर सकते हैं। और ये आपको लिक्विड मिलता है, ये लिक्विड सील कर देगा जो भी टायर में डैमेज होगा। अब स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर का फ़ायदा क्या होता है वो इस गाड़ी में आपको बखूबी क्लियरली देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फ्लैट सरफेस है, बीच में सेंट्रल कंसोल भी पार्टीशन नहीं है। मैं इस ड्राइवर सीट पर यहाँ पर बहुत प्यार से ऐसे शिफ्ट हो सकता हूँ। एंड यही पैकेजिंग की फ़ायदा मिलता है इन गाड़ियों में। अब मैं आपको इस गाड़ी की फ़ीचर्स वगैरह बताता हूँ, आप अंदर आओ। Ioniq 5 के कैबिन में आपको अंदर पता ही नहीं लगेगा कि ये Hyundai की गाड़ी है। कहीं पर भी आपको Hyundai की बैजिंग नहीं मिलती है। इनफैक्ट इस स्टीयरिंग के बीच में भी Hyundai का बैज नहीं दिया गया है। एंड इसका जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो भी बहुत अलग है। इंडिया में आपने ऐसी कोई डिज़ाइन फिलॉसफी Hyundai की किसी कार में आज तक नहीं देखी है। अब इस कैबिन में ढेर सारे इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। कई सारे टेस्टी बिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं टेस्टी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ खाने की चीज़ों का भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे ये जो आप सीट्स देख रहे हैं वेंटिलेटेड है, यानी हीटेड और कूल दोनों फंक्शन है फ्रंट सीट्स में। इनको डाई करने के लिए लेदर में फ्लैक्स सीड ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। फ्रंट सीट्स का वन टच रिलैक्सेशन फंक्शन भी है जो सीट्स फुली रिक्लाइन कर देता है, पर वापस रेगुलर पोजीशन में आने के लिए इसके बटन्स को होल्ड कर रखना पड़ता है। और जो आप यहाँ पर कारपेट देख रहे हैं, कारपेट में शुगर केन और कॉर्न सिरप का इस्तेमाल हुआ है इसकी बनावट में। इसके अलावा ढेर सारे रिसाइकल्ड मटेरियल, रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल हुआ है इसके कैबिन को बनाने में। ओके, फीचर्स पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको इस कैबिन के प्रैक्टिकल बिट्स दिखा देता हूँ। डोर पॉकेट्स काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं, अच्छा खासा स्पेस है, यानी आप उसमें 1 लीटर की बॉटल डाल सकते हैं, छोटा मोटा निकनैक भी स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो ये आप देखोगे ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा खुलता है, ऑल्दो कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट काफ़ी बड़े साइज़ का है एंड खुलता भी ऐसे आपकी ड्रॉअर की तरह है, तो ये एक कूल टच है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत बड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक टाइप ए यूएसबी सॉकेट है एंड पैर रखने के लिए आपको बहुत सारी जगह तो मिलती है ही, जो आपके को पैसेंजर को काफ़ी पसंद आएगा। अब मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूँ Ioniq 5 के बारे में। यूजुअली आप कार्स की सीट्स को आगे पीछे कर सकते हैं ना, यहाँ पर ये सेंट्रल कंसोल को आप आगे पीछे कर सकते हैं। 140 mm से ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, यानी आपको अगर पीछे बैठे हुए पैसेंजर को थोड़ा एक्सेस देना है, वो कुछ सामान रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से आप ये आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये वाली फ्रीडम आपको मिलती है सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स में। यहाँ पर आपको दो बड़े कप होल्डर हैं, नीचे रबराइज पैनल है तो आपकी जो ड्रिंक्स वगैरह होंगी वो हिलेंगी नहीं, गिरेगी नहीं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, एक फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट टाइप ए दिया गया है, दो टाइप ए ही सॉकेट दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर ढेर सारी आपको बड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है। एंड ये जो आपको आर्मरेस्ट दिख रहा है ये यहाँ से ओपन होता है, ढेर सारी आपको स्पेस ओपन अप कर देता है। इसके अलावा आप इसको फुली ऐसे उठा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बड़ा सामान रखना है जिसकी हाइट ज़्यादा है तो वो आप डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं। इसमें आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। एंड यूजुअली जो फ्यूचरिस्टिक कार्स यानी ईवीज़ में हमने देखा है उनके लिए आपको कंट्रोल के लिए बटन्स नहीं दिए जाते हैं,
उनको टच स्क्रीन से आपको कंट्रोल करना पड़ता है। थैंकफुली आयोनिक 5 में आपको यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, ऑल दो हैप्टिक फीडबैक वाले टच सेंसिटिव बटन्स हैं, बट एटलीस्ट आपको बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं जो ड्राइव करते समय आपको कंट्रोल करना आसान बना देता है, आपको स्क्रीन के साथ ऐसा फिडल नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम और मीडिया सेट करने के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं जिनका टच एंड फील और जो फीडबैक है वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। अब यहाँ पर आपको एक फ्लैट पैनल मिलता है, आपको एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स की याद दिलाएगा। कौन सी गाड़ी की याद दिला रहा है आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। अब मैं आपको स्क्रीन साइज़ बताऊं तो 12.3 इंच का यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता है, और ये जो आपको मिलता है सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी 12.3 इंच का ही है। इसको कंट्रोल करने के लिए बटन्स यहाँ पर राइट साइड पर दिए गए हैं। काफ़ी बढ़िया इसके जो ग्राफिक्स हैं एंड लैग इसमें बिल्कुल नहीं पता पड़ता है। स्क्रीन में पता पड़ता है या नहीं मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। हल्का सा आपको लैग पता पड़ता है, बट वो सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर थोड़ा और OTA अपडेट्स आने के बाद आपको शायद नहीं मिलेगा, बिकॉज गाड़ी काफ़ी आगे के लिए दूरी के लिए प्रिपेयर्ड है। तो फिलहाल ये छोटा मोटा सा निगल है, ये आपको शायद आगे ना मिले। इस स्क्रीन में आपको 3 विंडोज़ देखने को मिलती हैं। एक तो मेन ये है जिसमें आपको रेंज वगैरह दिखती है एंड टाइम वगैरह दिखता है, एंड एक ये जो मेन आपका मेन्यू खुल जाता है जहाँ पर से आप EV मोड एक्सेस कर सकते हो, गाड़ी के बारे में जान सकते हो कि कितनी चार्ज स्टेट ऑफ चार्ज है, एंड यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन मिलता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप सब कुछ सेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो। इसके अलावा सीट्स, जो फ्रंट सीट्स हैं इनके लिए वेंटिलेशन फंक्शन आपको यहीं से एक्सेस करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर बटन नहीं दिया गया है। आपको मेमोरी फंक्शन के लिए बटन दिए गए हैं, यहाँ ड्राइवर डोर पर 2 मेमोरी फंक्शन के बटन्स दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर नेविगेशन की जानकारी मिल जाती है, मेमोरी फंक्शन यहाँ पर भी है। फ़ोन प्रोजेक्शन यानी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह की आपको सहूलियत मिलती है, बट ये बात है कि आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है, वायरलेस नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको रेडियो, मीडिया, इसकी ब्लू लिंक कनेक्टेड टेक वगैरह भी आपको मिल जाती है, एंड उसके बाद आपको ये बड़ा सा सनरूफ मिलता है। ये ओपनेबल नहीं है, ये फिक्स्ड ग्लास रूफ है, बट इससे जो व्यू है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एयरी आपको फीलिंग मिलती है इस गाड़ी के कैबिन में। यहाँ पर आपको लेदर रैप ग्रे कलर का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, बीच में ह्यूंडई की बैजिंग आपको नहीं देखने को मिलती है, थोड़ा ऐसे खुरदुरा सा फिनिश है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा है टच करने में। अब यहाँ पर आपको पियानो फिनिश मिलती है, और ये पूरा पैनल ही प्रेस होता है अगर आपको कंट्रोल्स ब्लूटूथ टेलीफोनी और वॉइस असिस्टेंट के जो कंट्रोल्स हैं वो यूज़ करने हैं, तो ऐसा हैप्टिक फीडबैक यहाँ पर नहीं मिलता जैसा सेंट्रल कंसोल में मिलता है। यहाँ नीचे आपको ड्राइविंग मोड सिलेक्ट करने के लिए रोटेटर नहीं मिलता है, ये फिनिश रोटेटर जैसा है बट काम ये प्रेस करने पर बटन की तरह ही करता है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड्स मिलते हैं, अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो स्नो मोड एक्टिवेट हो जाएगा, यानी लो ट्रैक्शन वाली जो कंडीशंस है उसमें कैसे गाड़ी चलेगी उसके लिए आपको स्नो मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर राइट साइड में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं, इससे सारे मेन्यू वगैरह खुल जाएंगे, और यहाँ पर आपको ADAS की फंक्शन मिलती है, साथ ही आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह की फीचर दी गई है जो यहाँ से एक्टिवेट करोगे आप। और इसका जो गियर सिलेक्टर है यानी आपको जब इसे ड्राइव में डालना है, न्यूट्रल, रिवर्स में डालना है, उसके लिए आपको कंट्रोल दिया गया है यहाँ पर स्टीयरिंग कॉलम के साइड में। अब ये गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है, ढेर सारा स्पेस आपको मिलता है, और वो जो स्पेस है वो आपको रियर सीट पर असली पता चलेगा। चलो मैं आपको रियर सीट पर मिलता हूँ। आयोनिक 5 की रियर रो काफ़ी स्पेशल है, यहाँ पर भी आपको एकदम फ्लैट फ्लोर मिलता है, यानी 5 लोग यहाँ पर आप आराम से बैठा सकते हो। और दूसरा, इस गाड़ी का जो व्हील बेस है 3000 mm है, यानी जो स्टैंडर्ड व्हील बेस वाली रेंज रोवर आती है उससे भी ज़्यादा लंबा इसका व्हील बेस है। तो आप सोच सकते हो 4.6 meters से थोड़ी लंबी गाड़ी में आपको इतना सारा व्हील बेस कैसे फ्री अप हो सकता है। वो स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर की खूबी है, इलेक्ट्रिक कार्स में ही आपको वो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्यूल टैंक वगैरह के लिए स्पेस नहीं डेडिकेट करनी पड़ती है, ना ट्रांसमिशन टनल है बीच में, तो ये फ़ायदा आपको मिलता है EVs में। बट एक फ़ायदा है तो एक नुकसान भी है। अब यहाँ पर नीचे आपको बैटरी मिलती है, तो इस सीट पर आपको वैसे कोई कमी नहीं लगेगी, बट इसमें थोड़ा आपको नीज अप पोजिशन में बैठना पड़ता है क्योंकि फ्लोर थोड़ा उठ जाता है, वो आपको लंबी डिस्टेंसिस पर थोड़ा पता पड़ेगा, ऑल्दो ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। अगर आप ज़्यादा ही लंबे हो तो आपको थोड़े अंडर थाई सपोर्ट की कमी पता चलेगी, लेकिन आप रेगुलर हाइट के हो, 6 feet तक के भी हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ढेर सारा आपको नी रूम मिलता है, अच्छा खासा फुट स्पेस दिया गया है,
एंड हेडरूम की भी कोई आपको कमी महसूस नहीं होगी। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट दिया गया है तीनों पैसेंजर्स को, बीच में आपको ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट दिया गया है, इसमें दो कप होल्डर्स हैं एंड यहाँ पर आपको बहुत डीप स्टोरेज स्पेस मिलती है। दो फ़ोन आप यहाँ पर डाल सकते हो, टाइप ए सॉकेट मिलते हैं यहाँ पर भी एंड दोनों सीट बैक में आपको ये मैगजीन होल्डर दिया गया है। डोर पॉकेट भी डिसेंट साइज़ के हैं और यहाँ रियर में भी आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है, बस प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पर हीटिंग फंक्शन के साथ आता है, कूल सीट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलती हैं। बट ज़्यादा गर्मी में आपको परेशानी ना हो उसके लिए यहाँ पर आपको पिलर में माउंटेड एसी वेंट्स दिए गए हैं। आयोनिक 5 में आपको टाइप ए सॉकेट्स के साथ साथ एक 3-पिन सॉकेट भी मिलता है, वो यहाँ पर स्टैक्ड है रियर सीट्स के नीचे और इसके लिए आपको अनलॉक करना पड़ता है की को ऐसे, यहाँ से आप ये खोलोगे और ये आपका ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आप लैपटॉप वगैरह पावर कर सकते हो। तो बेसिकली ये गाड़ी एक मूविंग पावर बैंक ऑन व्हील्स है और रियर पैसेंजर की प्राइवेसी के लिए यहाँ पर सन ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं। अब इन सीट्स को आप फॉरवर्ड और रियर मूवमेंट के साथ साथ रिक्लाइन तो कर ही सकते हो, यहाँ पर ये आपको बटन दिए गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बटन दिया गया है, ये बटन प्रेस करोगे तो देखो मेरी वो बटन प्रेस करके ये सीट आगे हो रही है और इसके नीचे जो बटन दिया गया है इससे मैं लेफ़्ट वाली बेंच को आगे पीछे कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिकलिटी सारे पैसेंजर्स के लिए पूरी तरह से आपको यहाँ पर मिलती है। यूरो एनकैप में आयोनिक 5 को 5-स्टार रेटिंग मिली है, तो ग्लोबल एनकैप में भी नंबर अच्छा ही होना चाहिए। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ESC, हिल स्टार्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब आयोनिक 5 में आते ही आपको जो सबसे पहले बात स्ट्राइक करेगी वो ये कि गाड़ी का रिफाइनमेंट लेवल्स और स्मूथनेस बहुत हाई है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक कार से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो स्मूथ और रिफाइन होगी, बट यहाँ पर एक अलग ही लेवल छाया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर बाहर की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, रोड नॉइज, विंड नॉइज, टायर नॉइज कुछ भी नहीं आ रहा है। इनफैक्ट बाहर जो गाड़ियों का हॉन्किंग हो रही है वो भी काफ़ी कट कर यहाँ पर कैबिन में सुनाई देती है, तो इस कैबिन में जो क्वाइट और पीस का माहौल है वो बहुत बढ़िया बनता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की। ये जाती है 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा मात्र 7.6 सेकंड्स में। अब ये नंबर सुनने में काफ़ी बढ़िया है और फील भी काफ़ी अच्छा होता है। इनफैक्ट अगर मैं स्पोर्ट मोड में इसको पेडल दबा दूं तो एकदम बहुत ज़्यादा डरावनी वाली फील नहीं आती है, जैसा आपको इंस्टेंट टॉर्क यूजुअल इलेक्ट्रिक कार्स में डबल प्राइस की में मिलता है, जिनका 5 सेकंड का टाइम होता है 0 to 100 का। ये काफ़ी लाइकेबल है और कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग है, यानी लीनियरली पावर डिलीवर होती है, तो हैंडल करना, कंट्रोल करना काफ़ी आसान रहता है इस परफॉर्मेंस को। अब हमारी ये छोटी सी ड्राइव गोवा में हो रही है, तो गोवा के जो बैक रोड्स हैं, सिंगल कैरिज हाईवे हैं और यहाँ की जो पतली गलियाँ हैं वहाँ पर मैंने गाड़ी चलाई है एंड मनूवर करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। गाड़ी से ऑलराउंड विजिबिलिटी इस ड्राइवर सीट से बहुत प्यारी मिलती है, आपको मज़ा आ जाता है, ईजी टू ड्राइव है ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा। और तो और मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राउंड क्लियरेंस लेडन कंडीशन में 163 mm है, जिसका मतलब फुल हाउस के साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हो, सारा लगेज रखा हुआ है अगर बूट में, तब भी गाड़ी नीचे से स्क्रेप होने का कोई डर नहीं है आपको। इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड में अभी मैं ऑलरेडी चला रहा था, मज़ा आता है स्पोर्ट मोड में चलाने में, बट आप यूजुअली जब आपको आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करनी है तो आप इसे नॉर्मल या फिर इको मोड में चलाओगे। और इनफैक्ट इको मोड में भी परफॉर्मेंस काफ़ी पूरी पता पड़ती है, मतलब आपको कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से किसी को भी ओवरटेक कर सकते हो, एक बार बस थोड़ा सा पेडल दबाना है और आपकी गाड़ी एकदम फर्राटे से आगे जाती है। इसका स्टीयरिंग भी होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया है, ग्रिप बहुत अच्छी आती है, यहाँ पे इसमें कॉन्टोर्स दिए गए हैं, इससे आपके थंब के लिए अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है और कॉन्फिडेंस आता है जब आप इसे कॉर्नर में लेके जाते हो। कॉर्नर्स में लेके जाने में इसका स्टीयरिंग का एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़िया लगती है। गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी लो है क्योंकि बैटरी एकदम फ्लोर के नीचे है, उससे आपकी गाड़ी स्टेबल बनी रहती है जब आप कॉर्नर्स वगैरह में जाते हो। हमें ऐसे फिलहाल कोई कॉर्नर्स नहीं मिले हैं, बट वो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, एकदम वैसा ही है यहाँ पर। इसका स्टीयरिंग काफ़ी एक्यूरेट है और हैंडल करने में गाड़ी एकदम जहाँ पर आप इसे मोड़ोगे वैसी लगती है, बॉडी रोल भी काफ़ी कम महसूस होता है, तो चलाने में आपको मज़ा ज़रूर आएगा इस गाड़ी को। पर एक छोटा सा इशू है,
अगर आपकी उंगलियां लंबी हैं और आप गाड़ी को कॉर्नर्स वगैरह में लेके जा रहे हो, घाट सेक्शन पर लेके जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी उंगलियां यहाँ पर इस स्टॉक से टकराएं। यहाँ पर ही इसका ड्राइव सिलेक्टर है, यहीं पर इसका इंडिकेटर वगैरह है, तो उनकी जो प्लेसमेंट है ना वो स्टीयरिंग के काफ़ी करीब है। अगर आप एकदम अपनी तरफ स्टीयरिंग को टेलीस्कोपिक एडजस्ट करके बैठो तो शायद ये ना हो, बट ये हो सकता है कि आपकी फिंगर्स इससे फिर भी टकरा जाए। इसकी राइड में थोड़ी सी स्टिफनेस है, बट वो आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं फील कराएगी। इनफैक्ट अगर आपको ज़्यादा ख़राब रास्ते मिल गए ना और आप उनके ऊपर से पावर थ्रू कर रहे हो, थोड़ी ज़्यादा मोर देन यूजुअल स्पीड लेके जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी एक्चुअली स्टेबल रहेगी और आपका कम्फर्ट बना रहेगा। बड़े से बड़ा गड्ढा भी ये अच्छे से कुशन कर देती है, तो शॉफर ड्रिवन ओनर्स भी ये गाड़ी काफ़ी पसंद करेंगे। इसमें आपको चार रीजनरेशन मोड भी मिलते हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। लेफ्ट पैडल शिफ्ट खींचोगे तो आपका रीजन मोड लेवल 1 पे आ जाता है। अगर आपने उसे 4 बार खींचा तो गाड़ी आई पैडल ऑन हो जाता है, यानी सिंगल पैडल ड्राइव जो बोलते हैं ना ईवीज में आपको मिलती है, वो ट्रैफिक में बड़े काम की फीचर होती है। एक पैडल से आप गाड़ी रोक सकते हो और चला सकते हो, तो वो इसमें पॉसिबल है। अब 621 किलोमीटर की ARAI रेटेड रेंज है। अब ARAI रेटेड रेंज जो होती है उसमें डिफरेंस तो रियल वर्ल्ड में आता ही है। फिलहाल हमें 100% चार्जिंग से ये गाड़ी नहीं मिली है, तो एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट हमसे पहले ये कुछ लोगों ने गाड़ी चलाई थी। फिलहाल अब तक 100% चार्ज पर उन्हें गाड़ी मिली होगी, शायद मे बी 97-98% पर मिले होगी, ये मेरे को कन्फर्म नहीं है, बट इतने परसेंट पर इनको गाड़ी मिली थी और अब तक गाड़ी 80 किलोमीटर चल गई है और बैटरी बची है 69%। तो अगर हाईवे, सिटी और मिक्स ड्राइविंग कंडीशंस में प्रॉपर एक 100 से 0% तक का हमने टेस्ट किया अगर रेंज का, तो मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज इस गाड़ी से आपको मिल जानी चाहिए, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। मतलब आपकी वीक लॉन्ग अगर कम्यूट होगी 80 किलोमीटर से ज़्यादा तो आप नहीं करते होगे डेली ड्राइविंग, अगर सिटी में करते हो तो उसके लिए ये गाड़ी काफ़ी अप्रोप्रिएट आपको पता पड़ेगी। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है गाड़ी में। आपको लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, जैसे सभी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ ही वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर भी मिलता है, जो आपने अल्कज़ार और टूसॉन वगैरह में भी देखा होगा, इंडिकेटर देते हैं तो उस साइड का मिरर का कैमरा ऑन हो जाता है और आपको यहाँ पर लाइव फीड दिखती है। हालांकि ADAS टेस्टिंग का मौका मुझे नहीं मिला क्योंकि गोवा के ज्यादातर इनर रोड्स पर मार्किंग ही नहीं है। ड्राइविंग के शौकीन लोगों को भी ये गाड़ी इंटरेस्टेड जरूर रखेगी। वंस इन अ वीकेंड अगर आप जा रहे हो घाट वगैरह पर, तो ये गाड़ी आपको पूरी तरह खुश रखेगी। बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक ड्राइविंग इससे मत एक्सपेक्ट करना, बिकॉज भारी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, बट उसके हिसाब से फिर भी हैंडलिंग काफी अच्छी है। ड्राइव एंड करने से पहले थोड़ा ईवी स्पेसिफिक मजा भी कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था 0 to 100 ये गाड़ी लेती है 7.6 seconds। सामने एक खाली पैच है, क्लोज्ड ऑफ रोड है एंड मैंने गाड़ी को स्पोर्ट मोड में डाल दिया है। एक बार इस रियर व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करके देखते हैं टाइम कितना दूर रहता है क्लेम्ड नंबर से। यहाँ पर वॉच में मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा टाइमिंग, लेट्स सी कितना डिफरेंस रहता है। मैं इसे ड्राइव में डालता हूँ पहले तो, और ये इसे मैंने किया स्टार्ट। 80 नंबर तो वी बॉक्स टेस्टिंग से पता चलेगा, बट स्पीडोमीटर के हिसाब से टाइम लगभग 7 to 8 seconds के बीच ही रहा। तो कैसी है Hyundai Ioniq 5? Well, इसके बेसिक्स एकदम ऑन पॉइंट हैं और उनके ऊपर ये नई इनोवेशंस भी साथ लाती है। फीचर्स, कंफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रेंज सब कुछ बढ़िया है। बस छोटे से इश्यू हैं जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ही कुछ कुछ लोगों को आएंगे। Ioniq 5 इंडिया में SKD यानी सेमी नॉकडाउन रूट के थ्रू आ रही है और इसकी कीमत 46 लाख रुपये एक्स शोरूम है, और इस कीमत में आपको जो गाड़ी मिल रही है उसका दाम एकदम वाजिब लगता है। तो अगर आपको आज की तारीख में एक पीस ऑफ फ्यूचर चाहिए तो Ioniq 5 आपके लिए है।